हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते लेक्चर नंबर 06 और सम नंबर भी 6 है। लास्ट लेक्चर याद होगा बच्चा, हमने लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 को दो तरीके से सॉल्व किया था। क्या क्या किया था? एक तो सैंपल स्पेस लिखा उसके बाद सॉल्व किया, और एक विदाउट सैंपल स्पेस, लेट एक्स डिनोट्स पी और क्यू। याद होगा तो मैंने बोला था पी और क्यू याद करना, क्योंकि आगे चल के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक चैप्टर है वहाँ पर लगने वाला है। तो होपिंग कि आप लोग को वहाँ पर अच्छे से समझ गया रहेगा। अगर आप लोग में से कोई बच्चा समझो उस वीडियो को नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, पहले उस वीडियो को देखना तभी इस वीडियो को प्रोसीड करना, अदरवाइज ना इसके कुछ चीज़ें नहीं समझेगा आप लोग को। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा बेसिक्स, क्लास 10 का मैं प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ। आई हैव 10 मार्कर, मैंने बोला कि मेरे पास 10 मार्कर है, शायद तुम लोग को दिखता रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा 3 रेड, शायद 3 रेड दिख रहा है सबको, 3 रेड मार्कर दिख रहा है हाँ, और 2 ब्लू, देखो 2 ब्लू है और 2 ग्रीन है, और यहाँ पर 3 ब्लैक मार्कर है। ठीक है, शायद तुम लोग को मालूम होगा मेरे पास कितने मार्कर का झुंड है, मेरे बच्चे ने बर्थडे में गिफ्ट दे दिया था। हेलो सर, आपको मार्कर पसंद है, ये लो मार्कर ही रख लो, आप मारते भी हो, ये लो। चलो ठीक है, आई हैव 10 मार्कर, मैंने लिख दिया 1 मार्कर इज ड्रॉन, मैंने बोला कि एक मार्कर निकालना है। चलो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ही बताओ एक मार्कर। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, मुझे मालूम है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन 100% में फिक्स नहीं बता सकता। इसको भी सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया को भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। देखो जैसे कि तुम लोगों को मैं बोलूंगा एक मार्कर सिलेक्ट करो, या किसी बच्चे को मैं बोल रहा हूँ एक मार्कर सिलेक्ट कर, तुम लोग बता सकते हो मार्कर क्या सिलेक्ट करेगा? इसमें से मैंने ऑप्शन दिया है तो तुम लोग बता सकते हो, हाँ सर या तो ये वाला ब्लैक होगा, या तो ये वाला ब्लैक होगा, या तो ये वाला ब्लैक होगा, या तो ये ग्रीन, या तो ये ग्रीन, या तो ये ब्लू, या तो ये ब्लू, या तो ये रेड, या तो ये रेड, या तो ये रेड। बच्चे एक चीज़ याद है, तेरे को मालूम है कि क्या क्या वो सिलेक्ट कर सकता है, एक ही सिलेक्ट करना है उसको बोला, तेरे को मालूम है, या दो बोल दूंगा तभी भी तेरे को मालूम है, इसमें से ही कुछ सिलेक्ट करेगा ना। क्या इसमें से ब्राउन मार्कर दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें से तुम लोग को येलो मार्कर दिख रहा है? नहीं। सिंपल है ना यार, ऑरेंज मार्कर? नहीं। इसका मतलब तुम लोग को मालूम है कि वो बंदा सामने वाला क्या क्या सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन 100% नहीं बता सकता कि क्या सिलेक्ट करेगा। इट इज नथिंग बट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अपने को मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, बट 100% नहीं बता सकते कि क्या होगा। कॉइन को टॉस किया, अपने को मालूम है हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन 100% नहीं बता सकते हेड या टेल। इट इज नथिंग बट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इतना तो क्लियर हो गया, वही सीन है यहाँ पर। तो बताओ वन मार्कर इज डॉन, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है बोलो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब टोटल उसके पास सैंपल स्पेस में एस में, एस के अंदर कुछ तो आएगा, लेकिन इसको जब काउंट करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये कुछ और है। एन ऑफ एस कितना आएगा? एन ऑफ एस, ये देखो इसको लिखना कैसे रहता है, समझ लो रेड है, रेड है तो आर वन आर टू हो सकता है, या तो आर थ्री हो सकता है, ओके। ब्लू के बारे में, ब्लू वन हो सकता है, या तो ब्लू टू हो सकता है, या तो ग्रीन वन हो सकता है, ग्रीन टू हो सकता है। अभी बी को देखो इधर लिख दिया, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? बी एल लिख रहा हूँ, ब्लैक। बी एल वन हो सकता है, या तो बी एल टू हो सकता है, या तो बी एल थ्री हो सकता है। अरे समझा ये नहीं समझा बच्चा, ये वन है, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब एन ऑफ एस क्या रहेगा? एन ऑफ एस क्या रहेगा? 10। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, बराबर है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी होता क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर मैंने बोल दिया पहला क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अ रेड मार्कर, ड्रॉइंग अ रेड मार्कर। देखो रेड मार्कर, रेड मार्कर अगर तुम लोग को ये पता होगा, तुम लोग बताओ रेड मार्कर का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेड मार्कर गिन के मालूम पड़ रहा है, 3 टोटल कितना, यही है ना। अरे बच्चा ये चीज़ तो बचपन में टीचर लोगों ने सिखा दिया, बचपन में टीचर लोगों ने सिखा दिया रेड मार्कर। बताओ बताओ क्या लिखेंगे बोलो? ए लिखेंगे, ऐसा एक इवेंट लिखते, ए बोलते क्या रेड मार्कर, रेड मार्कर, अ रेड मार्कर, अ रेड मार्कर, बताओ अ रेड मार्कर, ड्राइंग अबाउट अ रेड मार्कर। बच्चे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ ए के अंदर क्या हो सकता है? रेड मार्कर मतलब क्या आएगा? फेवरेबल, बता। इसको बच्चा बोलता हूँ मैं, ए मतलब क्या होता है? इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस। देखो ये बाप है ये बच्चा, बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है? पापा पापा रेड मार्कर दे दो, रेड मार्कर दे दो, मतलब इसमें से ही बात करो। रेड मार्कर क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या? अरे सर ये तो ब्लू है, ये हो सकता है क्या? नहीं, बच्चे का रिक्वायरमेंट जो वही बता, बच्चे का रिक्वायरमेंट है रेड मार्कर, तो आर वन हो सकता है, आर टू हो सकता है, या तो आर थ्री हो सकता है, मतलब एन ऑफ ए। इसको बोलते हैं नंबर फेवरेबल, ए का फेवरेबल, इसको बोलते हैं फेवरेबल, जो चाहिए बच्चे को, जो चाहिए उसी को फेवरेबल बोलने का। एन ऑफ ए कितना हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचपन में टीचर लोगों ने सिखाया, पी ऑफ ए इज नथिंग बट एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस, तो इसका मतलब क्या होगा? 3/10। बच्चा दिखाइए, ऐसे अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्कर, मार्कर ब्लू मार्कर निकालने का चांस क्या है? B1 या तो B2, मतलब तेरे पास दो ऑप्शन है। टोटल कितने थे? टोटल कितने एन ऑफ एस कितने थे? 10। अच्छा ये एक काम करो, एक काम करो, मेरा क्वेश्चन सुनना, मेरा क्वेश्चन सुनना उसके बाद बोलना। यहाँ पर
प्लीज इस क्वेश्चन को देखो मत, इस क्वेश्चन को देखो मत। समझो कि मेरे पास एक डब्बा है, डब्बा है, डब्बा है, डब्बा बना लेता हूँ और उसके अंदर कुछ तो वॉल बना देता हूँ। यहाँ पर ये डब्बा है, ये डब्बा है और समझो उसके अंदर 30 बॉल है। कितने? 30 बॉल, 30 बॉल, हाँ 30 बॉल है, बना देता हूँ 30 बॉल बना देता हूँ। 30 बॉल कौन से? यहाँ पर देखो, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। 30 बॉल बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। यहाँ पर 30 बॉल है। अच्छा, तीनों 30 के 30 बॉल ब्लैक कलर के नहीं है, उसमें से 6 जो है ना रेड कलर के, 6 क्या है रेड कलर के, 6 रेड कलर के, मतलब 6 रेड कलर के मान लेते हैं। ये एक हो गया, एक हो गया, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, बरोबर बच्चा, और ये हो गया, मिक्स है ना, मिक्स है यहाँ पर और यहाँ पर है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, जैसे यहाँ पर कितने थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्कर, तुमने क्या बोला था, तुमने क्या बोला था? मैंने बोला एक एक बॉल निकाल, वो बॉल कौन सा हो सकता है? ये वाला बॉल हो सकता है या तो फिर ये वाला बॉल हो सकता है। वही केस है ना, जैसे मैंने बोला एक मार्कर सिलेक्ट कर, ये मार्कर हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है। अगर वही केस मैंने बोला यहाँ पर, सबसे पहले मैंने बोला एक बॉल सिलेक्ट कर, एक बॉल कौन सा हो सकता है? ये बॉल हो सकता है, 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 ये बॉल हो सकता है। इसका मतलब एस के अंदर कितने लोग आएंगे? एस के अंदर 30 लोग आएंगे। एस के अंदर कितने लोग आएंगे? पूरे 30 लोग आएंगे। एन ऑफ एस कितने ऑप्शन है टोटल? 30। अब मेरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्कर, रेड मार्कर के जगह पे रेड बॉल बोल दिया, बोलो रेड बॉल आने का चांस क्या है, रेड बॉल आने का चांस क्या है, बोलो। अगर मैंने यहाँ पर हाथ डाला और मुझे ये ब्लैक वाला मार्कर आएगा, बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है, ब्लैक बॉल या रेड बॉल, रेड बॉल, तो ये ब्लैक वाला फेवरेबल नहीं है, इसको फेंक, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलो क्या क्या चल सकता है, बच्चे को क्या क्या चलेगा? ये वाला चलेगा, या तो ये चलेगा, या तो ये चलेगा, या तो ये चलेगा, या तो ये चलेगा। अच्छा, 5 ही हुआ, यहाँ पर एक और ले लेते, चलो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 6, 6, मतलब बच्चे का रिक्वायरमेंट है 6, मैंने बोल दिया ना 6 रेड बॉल है। यहाँ पर अगर बच्चे का रिक्वायरमेंट ये है कि पापा 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 मुझे ना रेड बॉल चाहिए, तो बोलो रेड बॉल कौन सा हो सकता है, ये 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 हो सकता है। मतलब रेड बॉल आने का चांस क्या है? 6। कितने में से? 30 में से। बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इतना होने के बाद मुझे बताओ ब्लैक बॉल आने का चांस कितना है? 2 ही है ना इसके अंदर, 2 ही है, हाँ या ना, रेड और ब्लैक, तो बोलो ब्लैक बॉल आने का चांस कितना है? ऑब्वियसली बच्चा बच्चा बोलेगा 24 में से 30, लेकिन ठीक है ये सब नहीं। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया सबको? अब ये रेड बॉल जो दिख रहा है, रेड बॉल, देखो रेड क्या होता है सिंबल, अपने को बचपन से मालूम है, रेड मतलब होता है अलर्ट, डेंजर का साइन। तो यहाँ पर जो रेड बॉल दिख रहा है ना, ये डिफेक्टिव बल्ब समझो, डिफेक्टिव समझता है। अब ये जो गोला गोला दिख रहा है ना, इसको बॉल नहीं, इसको बल्ब समझो। बल्ब समझने के बाद अब क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने का, तुम लोगों ले लो और यहाँ पर बोलो, चलो हटा देता हूँ इसको, प्लीज सब लोग एक काम करो, इसको रीड करो। सो गाइस, यहाँ पर होपिंग कि आप लोग ने रीड किया रहेगा। अब मैं रीड करता हूँ, देखो, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब, यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, 30 बल्ब का लॉट एक गुच्छा है, यहाँ पर दिखता रहेगा 30 बल्ब यहाँ पर, जिसमें से 6 डिफेक्टिव, 6 डिफेक्टिव वो भी बना के दे दिया मैंने रेड कलर से। अच्छा, 6 डिफेक्टिव, यहाँ पर इतना कॉमन सेंस तो हर एक बच्चा जानता है, 30 में से 6 खराब है तो 24 क्या रहेगा? अच्छा, अच्छे को क्या बोलते हैं? नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ, ज़रूरत तो नहीं है, 30 बल्ब है यहाँ पर, 30 बल्ब है जिसमें से क्या रहेगा, 6 डिफेक्टिव है, 6 डिफेक्टिव है और 24 क्या रहेंगे? नॉन डिफेक्टिव। एम आई क्लियर बच्चा, एम आई क्लियर, हाँ या ना, येस और नो? ओके ग्रेट। और क्या लिखा है, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, यह क्या मसला है रे भाई, विथ रिप्लेसमेंट का क्या सीन है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? अच्छा, 4 इतना तो समझा, इसमें से 4 सैंपल लेने का है, ये देखो, चलो लॉटरी खेलते हैं, 4 सैंपल लेने का है, तुम लोग ही बताना हाँ, 4 सैंपल। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो निकाला चारों एक साथ नहीं निकालना है, चारों एक साथ नहीं निकालना है, एक के बाद एक निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं एक निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, चार नहीं, एक निकाला वापस रख दे, रिप्लेस कर दे, विथ रिप्लेस, विथ रिप्लेस मतलब जो निकाला वो वापस रख दे। अरे आया ना, अरे बोल यस और नो यार, आया ना, तूने निकाला बॉल, देख लिया, वापस रख दे, निकाला वापस रख दे, निकाला वापस रख दे, निकाला वापस रख दे, चारों का नोटेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने बोला कि 4 सैंपल निकालो, 4 सैंपल निकालो, ये निकाला, तुमने नोटिस किया, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है वो ब्लैक मार्कर, ब्लैक समझ रहे हो, इसका मतलब होता है नॉन डिफेक्टिव, समझ लो, हो सकता है, इत्तेफाक की बात है कि इस टाइम पे तेरे को यहाँ पर ये मिल गया, अरे समझ पा रहे हो, तुमने डाला, हो सकता है वापस डिफेक्टिव मिल जाए,
ये भी हो सकता है कि वही बल्ब वापस आ जाए, वही बल्ब वापस हो जाए यहाँ पर एक के बाद एक, क्या यहाँ पर बताना, फिर हो सकता है वो, हो सकता है, हो सकता है नॉन डिफेक्टिव मिल जाए, नॉन डिफेक्टिव मिल जाए, मतलब यहाँ पर क्या मिला बोलो, क्या क्या मिला, नॉन डिफेक्टिव, 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 नॉन डिफेक्टिव, बोलो ये क्लियर हो गया। चलो एक काम करो, ये हो गया चार सैंपल। अच्छा जरूरी यही मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है बता, क्या क्या हो सकता है तू बता। चल मैं बोलता तेरे तेरे पे छोड़ता, बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मैं इस वक्त तेरे से बात करना चाहता हूँ, बोलो दिमाग लगाओ क्या क्या हो सकता है। अच्छा रिपीट होएगा ना वापस, देखो वापस, चलो हो सकता है पहले में नॉन डिफेक्टिव, ऐसा भी तो हो सकता है नॉन डिफेक्टिव, ये इसका चांस ज़्यादा लग रहा है मेरे को, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, अरे हाँ है ना, और क्या हो सकता है, दिमाग लगा, समझ रहे हो, एक निकाला, हाँ रेड आ गया, रेड मतलब डिफेक्टिव, हाँ वापस रख, रेड आ गया लक, वापस रख, रेड आ गया वापस रख, रेड आ गया मतलब चारों में रेड आ सकता है, अरे हाँ है ना, चारों में रेड आ सकता है, रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, अरे यस और नो, ये भी रेड हो सकता है। चलो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, निकाला रेड वाओ रख दे, ब्लैक रेड ब्लैक, क्या पैटर्न है भाई, क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है, रेड इधर मिला, इधर रेड मिला, मतलब दूसरे टाइम में क्या मिला, ब्लैक मिला, ब्लैक का मतलब समझ जाओ नॉन डिफेक्टिव, और रेड मतलब डिफेक्टिव, हो गया बराबर है। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तुम लोग जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्कर, यहाँ पर अगर मैं पहले टाइम में एक डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहा हूँ, सबसे पहले ये बताओ यहाँ पर आगे क्या लिखा है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, अरे यार नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ हेड, इससे तो अपना बहुत बॉन्डिंग है, मतलब डब्बा बनाने का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डब्बा बनाना, क्या रहेगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ पर मैं सम चालू कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, लेट यहाँ से लिखो चलेगा, लेट एक्स डिनोट्स, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ, नंबर ऑफ वॉट डिफेक्टिव बल्ब, बताओ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या क्या हो सकता है, बोलो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, हो सकता है सर किसी में डिफेक्टिव बल्ब मिले ही ना, जैसे यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू जीरो, अरे हाँ ना, ये x रैंडम वेरिएबल होता है कि आउटपुट को हर एक को वेरिएबल नंबर असाइन करके दे दो, रियल नंबर, रियल नंबर डिपेंड कर रहा है x के डेफिनेशन पे, ये लिखा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, बताओ इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने, जीरो, यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब दो है, x का वैल्यू टू आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब दो है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने, चार है, तो बताओ तुम लोग क्या पांच हो सकते हैं क्या डिफेक्टिव बल्ब, अरे सर अंदर पांच डिफेक्टिव हो, छोटा सैंपल नहीं करो, एक दो तीन चार, अरे हाँ या ना मेरी जान, बोल तो बोल तो बोल तो, यस और नो, तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, सिंपल है सर, x इज इक्वल टू जीरो, कोई डिफेक्टिव बल्ब नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, हो सकता है चारों में से एक डिफेक्टिव बल्ब हो जाए, हो सकता है दो डिफेक्टिव बल्ब हो जाए, हो सकता है तीन डिफेक्टिव बल्ब हो जाए, हो सकता है चारों डिफेक्टिव बल्ब हो जाए, अरे हाँ है ना, हो सकता है पांच, नहीं नहीं सर पांच सैंपल ही नहीं है तो पांच आएगा नहीं, तो एम आई क्लियर, अरे हाँ है ना, यस और नो, तो तुम लोग को ये तो मालूम पड़ गया। अब एक्स निकलने के बाद एक मिनट कुछ बच्चे बोलो सर वो सैंपल स्पेस लिखो ना, तुम लोग को मालूम है सैंपल स्पेस कितना आएगा, भर भर के आने वाला है, मालूम है, अरे बहुत पार हो जाएगा, मैंने बोला छोटा मोटा सैंपल स्पेस रखा तो ठीक है, एक कॉइन को देखो याद करो, एक कॉइन को 10 बार उड़ाएगा तो 1024 आ जाएगा, उतना सैंपल स्पेस नहीं बनेगा, तो तुम लोग क्या करने का, एक्स और पी और क्यू वाला फंडा यूज करो, पी मतलब क्या आएगा सोचो, देखो कुछ बच्चे ना एक्स और पी के बारे में समझ नहीं पाते, मैं तेरे को जो बताता हूँ यहाँ पर सुन, तूने जैसी एक्स लिखा क्या लिखा, एक्स के लिए क्या लिखा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो पी क्या रहेगा मालूम है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर पासिंग, मैंने इजी लैंग्वेज में बोला था पासिंग, तो इस बार पासिंग तेरा नॉन डिफेक्टिव नहीं, पासिंग तेरा डिफेक्टिव है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो जैसे नंबर ऑफ डिफेक्टिव मिले ना, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऐसे लिखने का, देर यहाँ पर लिखने का, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉट, जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है ना वही गेटिंग वॉट डिफेक्टिव बल्ब को ही क्या लिखने का, डिफेक्टिव बल्ब को ही क्या लिखने का, पी लिखने का, बोलो याद रहेगा सबको, अरे हाँ ना, देखो जैसे ना एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, तो पी में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड, यहाँ पर अगर समझो, यहाँ पर और कुछ रहेगा, लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया यार ये सब चीज याद हो रहा है सबको, लास्ट लेक्चर में अपन ने नंबर ग्रेटर देन फोर वाला देखा था, पांचवा क्वेश्चन, तो पी, तुम लोग बताओ बताओ डिफेक्टिव बल्ब आने का चांस क्या है, डिफेक्टिव बल्ब आने का चांस क्या है, अरे सिंपल है ना, अभी देखा था इतने सारे मार्कर रखा था, मैंने बोला रेड मार्कर, तुमने काउंट किया एक दो तीन, अरे बरोबर है, अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान, हाँ या ना तो बोल, तीन मार्कर थ्री अपॉन टोटल कितने यहाँ पर, तो यहाँ पर बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, सर डिफेक्टिव बल्ब कितने, डिफेक्टिव बल्ब ए प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब आने के चांस क्या है,
मैं जो सिलेक्ट, देखो यहाँ पर रेड मार्कर मैं बोला था ना, जब मैंने यहाँ पर बोला था एक मार्कर सिलेक्ट कर, ये वाला रेड हो सकता है, ये वाला रेड हो सकता है, ये सिलेक्ट तो एक ही कर रहा है। ये देख, तुम लोगों को लग रहा है चार सैंपल है, लेकिन एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो, जब मैं आग बंद करके यहाँ पर जब मैं इसमें हाथ डाल रहा हूँ ना, तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉट डिफेक्टिवल, बताओ डिफेक्टिवल, ए मतलब ए इज इक्वल टू वॉट डिफेक्टिवल क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है फेवरेबल, बच्चे को क्या चाहिए डिफेक्टिवल, बच्चे को रेड मार्कर नहीं, बच्चे को डिफेक्टिवल, और डिफेक्टिवल ये हो सकता है, 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 या ये हो सकता है, मतलब उसके पास कितने ऑप्शन है, छः टोटल, कितने में से, 30 में से। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, सर आपने लास्ट लेक्चर ये बताया था, जो ये पी होता है, ये इनिच ट्रायल लिखते हैं ना, इनिच ट्रायल, हाँ यार ये बहुत खूबसूरत लगा, अगर ये बच्चे ने, जिस बच्चे के दिमाग में आ गया, अपने नोट्स में ओपन करो, मैंने लिखा था, देखते हैं, देख विथ रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, देख विथ रिप्लेसमेंट, यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट, मैंने हाथ डाला, बता डिफेक्टिवल आने का चांस क्या है, ये डिफेक्टिवल हो सकता है, ये 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 हो सकता है, छः ऑप्शन है, निकाला, हाँ छः बाय कितना है, निकाला, विथ रिप्लेस कर रहा है, विथ रिप्लेस मतलब ये एक ट्रायल हो गया, पहला ट्रायल हो गया, अरे आए ना, मेरे को चार ट्रायल करना है, 1 2 3 4, याद करो, एक डाई को अगर 6 बार उड़ाता हो तो है 6 ट्रायल, 5 बार उड़ाता हो तो 5 ट्रायल, यहाँ पर 1 2 3 4, देखो ये हो गया, एक ट्रायल हो गया, फिर से रख दे, रिप्लेस कर दे, देखो वापस क्या आ रहा है, फिर से रिप्लेस, जो रेड मार जो निकाला था उसको वापस रख दिया, वापस ये डिफेक्टिव हो सकता है, ये 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 हो सकता है, 6 वापस, पी का वैल्यू तो सही में 6, अगर सोचो क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता तो क्या हो जाता, सोच, क्वेश्चन बनता ही नहीं साला, ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, कोई सॉल्व ही नहीं कर पाते अपन लोग, तुम लोग और मैं मिलके सॉल्व नहीं कर पाते, बाइनोमियल एप्लीकेबल ही नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट में, ये बहुत कम टीचर लोग बता पाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल एप्लीकेबल नहीं है, या बाइनोमियल क्या होता बाद में देखेंगे, चलो एक काम करते, चलो पहले में डिफेक्टिवल, ये हो सकता है, 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 ये 6 ऑप्शन है, 6/30, मैंने जो बल्ब निकाला ना उसको मैंने रिप्लेस नहीं किया, बाजू में रख दिया, अब बता पी का वैल्यू पहले केस में क्या मिला, 6/30, दूसरे में निकाल डिफेक्टिवल कितना है, ये हो सकता 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 है, 5/30 नहीं बोला, 5/29 हो जाएगा, कैसे, एक बल तो ऑलरेडी निकाल दिया तूने, अरे दिमाग लगाना मेरी जान, लॉजिकली बात कर रहा हूं तो बात करना, जरा बात करने की कोशिश कर, तो एक बल्ब निकाल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, जो बल्ब निकाला ना डिफेक्टिव वाला उसको वापस रख मत, बाजू में रख दें, अब देख पी का वैल्यू सेम नहीं आएगा, मैंने बोला था पी का वैल्यू हर ट्रायल में सेम आएगा, तभी बाइनोमियल या अपना डिस्ट्रीब्यूशन लगना चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला अपना कंसेप्ट ही नहीं है, बोलो ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ गया तुम लोग, पहले में डाला तो अभी 6/30 रख दे, वापस निकल 6/30 रख दे, वापस निकल 6/30 रख दे, वापस 6/30, तो पी का वैल्यू तो आ गया अपने को 6/30, कट कुट कर सकते हाँ 1/1 अगर पी मिल गया देर फॉर वॉट, क्यों क्या मिल जाएगा पी क्यों क्या मिल जाएगा, मैंने बोला था 5 में से 1 ये खाएगा तो 4, 5 में से 4 ये खाएगा, रीजन लिखना है तो लिख दो, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 1, अब कंसेप्ट इजी है, अब पी और क्यू मिल गया, देखो मैंने बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश किया, तुम लोग समझो, यहाँ से चालू किया, अब देखो क्या सीन होने वाला, ये चीज़ समझो, मैंने तुम लोग को ये सिखाया था, अब पी और क्यू में ही खेलना है, पी पासिंग क्यू फेल, बोलो पासिंग मतलब क्या हो रहा है, डिफेक्टिवल पासिंग है इस वक्त, क्यों मतलब क्या हो रहा है, नॉन डिफेक्टिव, मुझे ये बताओ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब तू पास हुआ ही नहीं, चार ट्रायल में तू पास हुआ ही नहीं, अच्छा एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा, सोचो दिमाग लगाओ, तू 4 में से 1 जगह पास हुआ, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब तू 4 में से 2 जगह पास हुआ, अब देखो 0 यहां पर देख, पहले इसको सॉल्व करते, 1 जगह पास हुआ 4 में से, समझ लो पहले में पास हुआ, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल, चौथे में फेल, या फिर तू पहले में फेल हो गया, दूसरे में पास हो गया, मैं इसी रीड करता हूँ, देखो पास मतलब समझने का, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, डिफेक्टिव मिला, नॉन डिफेक्टिव, इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव, ये अंदर से फील नहीं आ रहा है, अंदर वाला फील वाला जो लैंग्वेज है वो बोलो, पास और फेल मतलब एक जगह पास होना है, 4 में से 1 जगह तू उसको पास होना है, कैसे भी अरेंज कर, कैसे भी मैटर नहीं करता, चलो बोलो, या फिर क्या हो सकता है, बोलो हो सकता है सर मैं फेल पास हो गया ना, यहाँ पर ही हो गया ना, तीसरे पे पास कर दो, सीक्वेंस रखो पास और फेल, या फिर फेल पास, देखो यही चारों केस हो सकता है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं हो सकता,
अरे हाँ या ना, हाँ या ना तो बोल, हाँ या तो हाँ ना तो बोल यार, कम से कम ये समझा तू पास। देख चार में से पहली बार पास हुआ इधर, तो यहाँ पर हो सकता है दूसरी बार तेरे को डिफेक्टिव मिला रहेगा, हो सकता है तीसरी बार डिफेक्टिव मिला रहेगा, हो सकता है चौथे में डिफेक्टिव मिला रहेगा, समझ पा रहे हो? और पहले तीन में तेरे को नॉन डिफेक्टिव। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, पी लिखो क्यू इंटू क्यू, ये क्यू क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई करो एकदम सिस्टमेटिक, क्यू इंटू क्यू इंटू, ये तो क्यू क्यूब हो गया और पी वाला सिंगल मर रहा मेरे जैसा। यहाँ पर भी देखो ये हमेशा सेम ही आता है, हमेशा सेम ही आता है, इधर जो आता है वही सब सेम आता है, तो याद रखना x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x होता है, तो ये प्लस करेंगे तो क्या, देख x इंटू x स्क्वायर, x प्लस x 2x, तो वैसे x प्लस x प्लस x प्लस x 4x, तो यहाँ पर 4 पी क्यू क्यूब लिखने का, 4 इंटू p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या है, 1/5 इंटू q का क्यूब 4/5 का क्यूब। अच्छा क्यूब आता है तुम लोगों को, देखो 4 × 1/5 क्यूब मतलब 4 × 4 × 4 16 × 4 = 64 अब उन्हें 5 का क्यूब 5 × 5 = 25 करेंगे तो 125। देख बच्चा मुझे मालूम है इसमें से कुछ कटकुट नहीं हो रहा, वैसे तो कुछ कटकुट नहीं हो रहा है, चलो एक काम करेंगे 64 × 4 28 256 अपन में 625 होता है ना, 525 625 यस या चलो x इज इक्वल टू 0 मतलब तू चारों में से एक बार भी पास नहीं हुआ, मतलब पहले में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल, चौथे में भी फेल, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, पास तो दिखेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर यही रहेगा। अब बोलो ये क्या है, क्यू इंटू क्यू, ये क्या लिखेंगे, क्यू 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 रेस्ट टू वॉट, क्या लिखोगे, 4 लिख दो, क्यू रेस्ट टू 4 मतलब क्या है, ये देखो क्यू का वैल्यू 4/5 रेस्ट टू वॉट 4 लिखो, अच्छा 4 × 4 मतलब 4 64 यहाँ पर हो जाएगा ना, 16 अरे छोड़ यार, 4 × 64 × 4 करो, 64 × 4 256 ही आ रहा क्या, यहाँ पर 256 और 5 × 4 5 × 5 यही आया ना, 625 आ रहा है, इतफाक की बात है दोनों सेम आ रहा है। चलो एक काम करेंगे, थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ही दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं, मैंने बोला थोड़ा ही दिमाग लगाओ ज़्यादा नहीं। चलो अब क्या करना, अरे भाई अपने को इसका निकाला, इसका निकाला, इसका 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 तीन दो तीन और बाकी हैं। चल बच्चा हाँ यहाँ पर बताओ हेल्प करने का, थोड़ा दिख रहा है क्या तुम लोग को, यस पी x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू वॉट, एक काम करो x इज इक्वल टू वॉट, थ्री पहले सॉल्व कर लेता हूँ, थ्री मतलब तीन जगह पास हुआ, ये तीन जगह पास मैंने तेरे को बोला, तीन जगह पास हुआ एक जगह फेल हुआ, मैंने बोला जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना फेल वाले पे फोकस कर, क्यों ऐसा, मैंने बोला क्यू को अरेंज करना इजी रहेगा, जो कम रहता ना उसको अरेंज करना इजी रहता है एज कम्पेयर टू ज़्यादा वाला, देख तू ऐसा पास ऐसा करेगा पी 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 क्यू, देख मेरी बात सुनना, इधर मैटर नहीं करता ऑर्डर, तो तू है ना दिमाग लगा, अगर समझ ले पांच फेल है और एक पास है तो पास वाले पे फोकस कर, चार फेल है दो पास है तो पास, मतलब जो कम रहेगा ना उसको अरेंज करने की कोशिश कर, बाकी तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ, ये देखो मैंने देखा इधर तीन पासिंग है, मैं फेल वाले को अरेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने बोला पहले में तू फेल हो गया पास, या फिर तू दूसरे में फेल हुआ रहेगा फेल पास, या फिर P, Q, P, यहाँ पर P, 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 Q, किसी ने नोटिस किया बच्चा, यहाँ पर यही आने वाला ना, तू एक काम कर पास वाले को बोल, इसका मतलब क्या हो रहा है, फेल पास, फेल, पास, और कुछ है क्या, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर P, X इज इक्वल टू 3 भी है, X इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या P क्यूब हो जाएगा और Q हो जाएगा, इसके जैसा सेम है, समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्या है P क्यूब क्यू, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, चार बार है ये तो 4 × P³Q होएगा, हाँ यहाँ पर 4 × P³Q 1/5 का क्यूब इंटू Q 4/5, चलो यहाँ पर 4 × 1/125 × 4/5 4 × 4 16 हो गया, 16/625 ये आंसर आया। अच्छा x इज इक्वल टू 4 भी कर लेते हैं, क्यों x इज इक्वल टू 2 वाला बाकी है, वो थोड़ा मगज मारिए लेकिन करेंगे, x इज इक्वल टू 4 वाला क्या है, x इज इक्वल टू 4 मतलब चारों में पास हुआ, पहले में भी पास, दूसरे में भी पास, तीसरे में भी पास, मतलब पहले में भी डिफेक्टिव, देखो ये वर्ड यूज करेंगे तो तकलीफ में जाएंगे, डिफेक्टिव, बोलो ये क्लियर हो गया, अरे आया ना पास मतलब डिफेक्टिव। अब यहाँ पर क्या आएगा, P रेस्ट टू 4 मतलब क्या आएगा, P रेस्ट टू 4 मतलब 1/5 का क्यूब 4 ना
फोर, तो ये रहेगा 1/625। अब लास्ट बाकी है, लास्ट कौन सा बाकी है बोलो, लास्ट एक बाकी है ना यार। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। टू का मतलब क्या हो रहा है, दो बार पास होना चाहिए, दो बार पास दो बार फेल, ये तो इक्वल हो रहा है इसलिए इधर दिक्कत होएगा। तीन बार पास एक बार फेल, तो फेल वाले को अरेंज करते हैं। यहाँ पर तो दोनों इक्वल हो गया ना, एल एच एस आर एच एस, नहीं 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 ऐसा नहीं है यहाँ पर। चलो दो बार पास दो बार फेल कैसे भी अरेंज करो, देखो मैं ऐसा करता हूँ, पी पी फेल फेल, ये दोनों को घसका दो थोड़ा, टोटल ये भी हिंट देता हूँ छः बनने वाला है, टोटल छः बनने वाला है, इतना इतना दिमाग में रख लो, छः बनने वाला, कितना छः, मैं बताऊंगा इसके पीछे भी कहीं ना कहीं लॉजिक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखना छः बनने वाला है। तो ये पी पी जो इधर है ना वो इधर कर दो, इसका मतलब पहले में फेल पास पास फेल, बोलो ये क्लियर हो गया। अगर रीड करना रहेगा तो अलग लैंग्वेज में, नॉन डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव। चलो एक काम करो, ये पी पी इधर है ना, पी इधर ले लो, मतलब क्यू क्यू पी पी, ओके ये तो हो गया, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये तो हो गया। अब क्या करोगे, दो दो को गैप लिया ना, अब एक काम करो प्लस एक छोड़ के एक रखो, एक छोड़ के एक रखो, एक छोड़ के एक, मतलब देखो दो को चिपका के रखा, दो पी को साथ में रखा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक पी को अल्टरनेट रखो, अल्टरनेट वाला पी क्यू पी क्यू, इसका क्या आएगा बोलो, इसका क्या आएगा बोलो, इसका क्या आएगा, क्यू पी क्यू पी, देखो अल्टरनेट, और या फिर अल्टरनेट होने के बाद अब दो छोड़ के एक, दो छोड़ के मतलब यहाँ पर पी लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू क्यू पी। अच्छा ये बच्चा कुछ बोला क्यू पी पी है ना, ये वाला, अरे देख ये वाला तूने पहले ले लिया, दो पीस चिपका हुआ, इसका मतलब देख इधर है, तो ऐसा मत बोलना, यही छः बनने वाला है, थोड़ा अरेंज कर, थोड़ा मेहनत कर, हो जाएगा, एक बार कोशिश तो कर, एक बार चल, एक बार वापस चल, वीडियो का लेंथ मत देख, एक बार वापस बात कर ही लेते हैं, एक बार वापस चलो स्टार्ट करेंगे। बच्चा बोलो क्या आएगा, सर दो बार पास पी पी क्यू क्यू चिपका के लिए, दो पी चिपका होना चाहिए बोलो। अच्छा पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरे पे चिपकाओ, दूसरा तीसरे पे चिपकाओ, ओके यहाँ पर तीसरे चौथे पे चिपकाओ, देखो क्यू क्यू पी पी बराबर है, चिपका हो गया, दो दो चिपक गया, अब एक छोड़ के एक बनाओ, एक छोड़ के एक, मतलब पी क्यू पी क्यू या फिर क्यू पी क्यू पी, अरे बराबर है कि नहीं, हाँ या ना, एक छोड़ के एक, अब दो छोड़ के बोलो, अब ये मत बोला क्यू पी पी सर आपने बोला दो छोड़ के, अरे मैंने बोला पी को, पी लिखेगा ना उसके बाद दो का गैप होना चाहिए यहाँ पर, ये तो हो गया था ना पी क्यू क्यू पी, अरे बोलो हाँ ना, यही छः बनने वाला है। चलो आप बोलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, यहाँ पर भी देखो पी इंटू पी पी स्क्वेयर और क्यू इंटू क्यू, अरे समझा, एक्स इंटू वाई वाई इंटू एक्स एक्स वाई होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वेयर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वेयर, मल्टीप्लाई आना चाहिए, अरे समझता है या नहीं, कि कुछ बच्चे बोले सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नहीं पी इंटू पी क्या है, देख वाई वाई एक्स एक्स जब जब रहता ना तो इसको मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर, अच्छा वाई एक्स ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ गया ये चीज, ऐसा सीन होता है। तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बोलो ये कितना हो गया, छः हो गया क्या, देखो छः, हाँ तो सिक्स टाइम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब लिखना है पी का वैल्यू कितना था, पी का वैल्यू था 1/5 ना, 6/30 1/5 था, 1/5 का स्क्वायर, क्यों थक रहे हो सर इधर से चिपकाओ ना, क्यू का वैल्यू कितना था, 4/5 रहेगा ना ऑब्वियसली, सेंस लगाओ 6 × इसका स्क्वायर 1/1/25 इसका 16/5 का स्क्वायर 25 ये क्या है, 16 × 6 = 96 होता है, यही है ना 4 का स्क्वायर, ओके 96 16 × 6 देखो एक बार कंफर्म करो, 6 × 6 = 36 6 9 96 और ये कितना आ रहा है 1/25 × 25 625 होता है, बराबर है ना 625 625 ये आ गया। एक काम करो अब ये होने के बाद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, मेन गोल क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बोलो यहाँ पर देयरफॉर एक्स का वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 2 3 4 बराबर, फाइव नहीं आएगा चलो इसके अंदर लिखने का, और लिखने का पी ऑफ एक्स, बोलो पहला क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 0 256 / 625 दूसरा 256 / 625 टू वाला किधर है, टू वाला इधर है ना 96 क्या रहा है 96 / 625 और थ्री वाला किधर है, थ्री वाला 16 / 625 और ये 1/625 एक काम करें जजमेंट ले लेते कि इसको प्लस करके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, रेडी एवरीवन चेक करना चाहिए, मैंने सिखाया तुम लोगों को चेक कैसे करने का, चेक कैसे करने का,
सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये अच्छी बात है, 625 आ रहा है। प्लस करो 256, 256 512 होता है ना, 256 प्लस 256 प्लस 96 प्लस 16 प्लस 1, एक बार प्लस करके देखते हैं अपन, एक बार प्लस करके देखते हैं। ये तो हो गया 512, 512 और ये हो गया 96 और ये हो गया 16 और ये हो गया 1, यहाँ पर 12, 13, 14, 15, यहाँ पर 10, 11, 12, 6, 625 अपॉन में 625, इसका मतलब आंसर आ रहा है 1, डेफिनेटली यही आंसर है। अरे समझ पा रहे हो मैंने कैसे किया, मैंने बोला ना तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों को बता दिया था ये डब्बा हमेशा चेक करने का कि प्लस करके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है भाई, कुछ तो झोल झपटन। पीछे ना आंसर जो दिया है ना वो NCR के फॉर्म में दिया है, मतलब बाइनोमियल में, तुम लोग को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। होपिंग कि आप लोग को ये चीज़ समझ गया है, एक बार वापस चीज़ें समझ लो कि क्या करना है। x लिखना है, लिख लिया, x का वैल्यू क्या क्या होगा वो भी बता दिया। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, इस वक्त p मतलब डिफेक्टिव बल्ब आने के लिए p बोला गया है। डिफेक्टिव बल्ब कितना, 6, कितने में से 30 में से कट कुट करेगा तो 1/5 आएगा, क्यूब बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 0 मतलब फेल, चारों में फेल। x इज इक्वल टू 1 मतलब एक में पास, x इज इक्वल टू 2 मतलब दो में पास, x इज इक्वल टू 3 मतलब तीन में पास, x इज इक्वल टू 4 मतलब चारों में पास। सॉल्व करो तुम लोग का आंसर आ जाएगा, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 डील करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, ये ऑलरेडी अपना हो चुका है सम नंबर 4 में, याद करो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल, बहुत सारे सम अपन ने कवर कर दिया, जहाँ पर अपन ने PMF के बारे में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार टॉस किया, 1-2, तो मुझे लगता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, ये आराम से आता है अपने को। ये देखो यहाँ पर मैटर वन याद आ रहा है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, हेड हेड, यहाँ पर 4 आएगा नंबर ऑफ टेल। सर कैसे मालूम पड़ा एक्स का वैल्यू, नंबर ऑफ टेल आएगा, यहाँ पर लिखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। याद करो अगर सॉल्व करना चाहिए तुम लोगों तो याद करो हम लोग कैसे करते थे, एक्स लिखते थे, फेवरेबल आउटकम्स लिखते थे, फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिखते थे, पी ऑफ एक्स याद होगा तो बच्चा आप लोग को, क्या सीन था बोलो, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 याद आ रहा है सबको, ऐसा टेबल अपन ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये इससे ही अपना बिगनिंग हुआ था। 0 मतलब 0 टेल, एक्स क्या है नंबर ऑफ टेल, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कोई भी टेल नहीं, मतलब कौन कौन आएगा, हेड हेड बराबर है, एक टेल आना चाहिए, ये और ये आना चाहिए, मतलब क्या आएगा, हेड टेल, टेल हेड। अच्छा ये बताओ टेल टेल, इतना तो क्लियर हो गया, तो ये कितना आएगा, 1 बाय कितने, 4, 2 बाय 4, ये 1 बाय व्हाट, 4, ये अपना हो चुका है बच्चा, इसलिए तो यहाँ पर अपने को आंसर आया 1/4, 2/4 और 1/4, प्लस करके देख लो 4/4 मतलब 1 आएगा, ये मैटर 1 था। उसके बाद धीरे धीरे अपन ने बात किया कि जब हाँ या ना में बात होगा तो पी और क्यू को इंट्रोड्यूस कराना, हाँ और ना में बात होगा तो, हाँ और ना मतलब सक्सेस और फेलियर में। जरा यहाँ पर देखो, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो सक्सेस मतलब नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल, जैसे यहाँ पर देखो ना कैसे सीखा था, लेट एक्स इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखने का, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, यहाँ पर एस बनाने की जरूरत नहीं है। एक कॉइन को दो बार टॉस करेगा, हो सकता है किसी में टेल ना आए, हो सकता है एक में टेल आए, हो सकता है दोनों में, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2। याद करो जब ऐसा होने के बाद फिर मैं लिखता हूँ लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैंने बोला था नंबर ऑफ टेल है तो गेटिंग टेल इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल मतलब समझता है, हर एक ट्रायल में, जैसे यहाँ पर इसी कोलोड क्या लिखते हैं हम लोग, पी लिखते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉइन को टॉस करो, एक कॉइन को टॉस करो, चलो एक ट्रायल, यहाँ पर हेड टेल आएगा, इसमें भी हेड टेल आएगा, पहले वाले ट्रायल में बात करो क्या आएगा, हेड या तो टेल, बताओ टेल, यहाँ पर है ना एक ही ट्रायल है, इस ट्रायल देखो यहाँ पर भी हेड और टेल, हेड और टेल, बताओ यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट और ये सेकेंड ट्रायल है, बताओ इसमें एन ऑफ एस कितने होगा, एन ऑफ एस कितने, 2, एन ऑफ एस कितने, 2, बताओ पी सेम है क्या, टेल आने का चांस क्या है, टेल आने का चांस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बोलो, टेल आने का चांस कितना है, एक ही दिख रहा है कितने में से, 2, इसमें भी टेल एक ही दिख रहा है कितने में से, 1/2, मतलब सिंपल है सर, अपने को मालूम है 50-50% होता है, इसमें भी 50% दूसरे बार करेगा तभी भी 50%, तीसरे बार करेगा तभी भी 50%, इसका मतलब ऑब्वियसली पी का वैल्यू है 1/2। अच्छा पी का वैल्यू मिल जाएगा तो क्यू का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, 1/2। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब मैं तुम लोग को जो बोलो ध्यान से सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं, मैटर 2 बात हो रहा है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब तू पास हुआ ही नहीं, तू फेल हो गया, पहले में भी फेल हो गया, दूसरे में भी फेल हो गया, मतलब तू दो बार कर रहा ना, 1-2, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब तू पास हुआ ही नहीं, पहले में भी फेल, दूसरे में भी फेल, मतलब क्या हो गया, क्यू का स्क्वायर, क्यू क्या है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो यू विल गेट 1/4, देखो आंसर सेम ही आएगा। डाउट है इधर आ, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब तू एक में पास हुआ, एक में पास हुआ मतलब पहले में पास, दूसरे में फेल, या फिर फेल पास, पी क्यू
प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स पी क्यू, टू इंटू पी, पी का वैल्यू क्या, पी का वैल्यू वन बाई टू और क्यू का वैल्यू भी वन बाई टू। कट कुट कर सकते हो लेकिन अपन कट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, टू बाई फोर ऐसे इसका भी कर सकते तुम लोग। तो यहाँ पर सीखने वाली बात कुछ नहीं थी, ये अपने को ऑलरेडी आता था, एक छोटा सा रिकैप कर लिया दो तीन मिनट का वीडियो लेके। नाउ ये जो था ये इस कॉइन को बोलते फेयर कॉइन, फेयर कॉइन मतलब इसमें हेड और टेल आने का चांस 50-50% है, 50-50% है। यहाँ पर याद रखना, ये देखो ये क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा, इफ अ कॉइन इज बायस, कॉइन बायस है, बायस का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा। जैसे आजकल के जो अपने मीडिया होते हैं, अपने इंडियन के जो मीडिया है, एक तरफा एक ही पॉलिटिक्स का साथ देते हैं, उनकी अच्छाइयाँ सिर्फ अच्छाइयाँ सिर्फ अच्छाइयाँ सिर्फ अच्छाइयाँ बताते हैं, वो बुरा कर रहे हैं उनके बारे में बात ही नहीं होता। शायद तुम लोग हर एक बच्चे लिटरेट हो यार, पढ़े लिखे लोग, तुम लोग को मालूम है यहाँ पर सब, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, अगर कोई एक मीडिया है तो उनकी तारीफ करता है बाकी दोनों की बुराई करता है। ये तो अपने अपना अपने को मालूम ही है बायस का मतलब क्या होता है। अच्छा, बायस को एक और वर्ड यूज़ होता है अनफेयर, मतलब यहाँ पर जैसे हेड और टेल आने का चांस क्या था 50-50%। याद करो अगर किसी बच्चे ने शोले मूवी देखा रहेगा, वहाँ पर जो अमिताभ बच्चन के पास जो कॉइन था ना भाई, वो फेयर था ही नहीं, दोनों तरफा एक ही था, हेड था दूसरे साइड भी हेड था, या फिर बोल सकते एक जगह हेड है तो दूसरे जगह भी टेल है, ये चलेगा नहीं, हेड है तो टेल भी होना चाहिए, उसको फेयर बोलने का, अगर वो नहीं है तो उसको अनफेयर बोलने का। यहाँ पर देखो जैसे हेड आने का चांस 50% है, टेल आने का चांस भी 50% है, देखो ना 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा, बायस इसका मतलब हेड और टेल, हेड आने का चांस ज़्यादा होगा टेल आने का चांस कम होगा, या टेल आने का चांस ज़्यादा है हेड आने का चांस कम है, ऐसा कुछ तरीका है। हेड इज 3 times एज लाइकली टू ओकर एज टेल, मतलब हेड आने का चांस 3 गुना है एज कम्पेयर टू और टेल। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, चलो दो बार उड़ा रहे वो तो मालूम पड़ गया, एक कॉइन को दो बार उड़ा रहे, हेड भी है टेल भी है लेकिन हेड आने का चांस 50% नहीं है, ज्यादा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल, तो देखो शुरुआत करो, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस, व्हेन अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, जब दो बार उड़ा रहो, चलो इतना इंग्लिश लिख देता हूँ ट्वाइस, चलो तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, दो बार उड़ाया, हो सकता है एक कॉइन को एक दो, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी छोड़ो इसमें प्रोबेबिलिटी का देख रहे हैं, एक्स का वैल्यू रैंडम वेरिएबल है, कुछ तो कुछ आउटपुट आएगा, हो सकता है दोनों में से किसी में टेल आया नहीं, या तो एक में टेल आया या तो दोनों में टेल आया रहेगा, पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल। अच्छा, इसके आने के बाद क्या लिखने का मैंने तुम लोग को सिखाया, लेट पी लिखने का, और पी लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, प्रोबेबिलिटी पी मतलब क्या होता है, जो एक्स को लिखा है ना नंबर ऑफ टेल, तो यहाँ पर लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन इच ट्रायल इज इक्वल टू पी, प्लीज डोंट राइट 1/2, गलत हो जाएगा। तो सर लिखने का कैसे, नहीं लिखने का कुछ भी, क्यों 1/2, अरे 50% किसने बोला, यहाँ पर देखो हेड आने का चांस क्या है 3 times, देयरफोर व्हाट, चलो ये तो समझ गया कि ये ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर बोला गेटिंग टेल इन इच ट्रायल, तो इसका मतलब देयरफोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को क्या लिखेंगे, इसका मतलब प्लीज यहाँ पर क्या लिखा है, P is not equal to 1/2, हाँ बच्चा 50% नहीं हो, 1/2 मतलब 0.5। अच्छा गेटिंग हेड तो क्या लिखेंगे, अरे मुझे भी नहीं मालूम, देखना पड़ेगा, इन इच ट्रायल तो ये क्या है, क्यों फ्रॉम द गिवन कंडीशन, देखो यहाँ पर वी नो डैट यहाँ पर, या भी लिखते फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या लिखा है फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या लिखा है यहाँ पर, देखो एक बार रीड करो, सो डैट हेड इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू ओकर एज टेल, मतलब यहाँ पर ये दिया क्यू की जगह पे क्या लिखना है 3p, मतलब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है ना वो 3 गुना है, जो भी जितना भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका रहेगा ना इससे ज़्यादा ये रहेगा, समझ गया, 3 गुना है, कौन सा 3 गुना है, यहाँ पर ये वाला क्यू, क्यू का मतलब होता है हेड आने का चांस ज़्यादा है, कितना 3 गुना है, चलो यहाँ पर देखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा है, चलो लिखते ना वी नो डैट, कुछ नहीं आता तो यही लिखने का, वी नो डैट पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, होता है 1, पी के जगह पे एज इट इज क्यू का वैल्यू लिखने का 3p, अरे वाह क्या मजा आया, इसको लिखेंगे 4p इज इक्वल टू 1, मतलब पी का वैल्यू क्या गया 1/4, मतलब टेल आने का चांस कितना है 1/4, देयरफोर व्हाट, चाहे कुछ भी कर कैसे भी कर तेरे को आंसर आएगा, तेरे को चाहिए इसके अंदर पुट अप कर पी के जगह पे 1/4 डालेगा तो 3/4 हो जाएगा, अरे कॉमन सेंस यूज करना, देयरफोर मुझे बता पी का वैल्यू 1/4 है तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, ये चीज़ क्लियर हो गया, रीजन लिखना है तो लिख दो देयरफोर, अरे समझ गया ना, एक मिलता है तो दूसरा अपने आप मिलता है,
चाहे इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके देख ले या P प्लस Q इज इक्वल टू वन, ये तो इत्तेफाक की बात है। चलो सॉल्व करना, अपना जर्नी ये नहीं, अपना जर्नी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। X इज इक्वल टू जीरो मतलब तू दोनों में फेल हो गया, पहले में भी Q दूसरे में भी Q, ये चीज़ याद रखना। Q और Q क्या लिखेगा, Q स्क्वायर। Q का वैल्यू 1/2 नहीं लिखना, Q का वैल्यू जैसे इधर क्या लिखा था 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर Q का वैल्यू क्या 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। यहाँ पर बोलो X इज इक्वल टू वॉट, X इज इक्वल टू वन, X इज इक्वल टू वन मतलब तू एक बार पास हुआ, दो में से एक बार पास हुआ मतलब पी क्यू, मतलब एक बार तेरे को टेल मिला है पी क्यू या फिर क्यू पी। ए पी क्यू, पी क्यू क्या हो गया 2 times PQ, 2 लिखने का, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू 1/4, क्यू का वैल्यू 3/4, कटकुट हो सकता है 2 3 6/16। मुझे मालूम है कटकुट करने का मन हुआ तो कर देना बच्चा, लेकिन मैं कट क्यों नहीं कर रहा शायद तुम लोगों को मालूम है, मैं बाद में ऐड करके भी देखूंगा 1 आ रहा है या नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अरे बायस हो या अनबायस हो मुझे मालूम नहीं, बस मुझे न्यूज से मतलब है, वही वाला सीन है, मुझे बायस है अनबायस हो मुझे मतलब नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है यहाँ पर, लेकिन वो सही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना सही होना चाहिए। यहाँ पर क्या दोनों में पास मतलब पहले में पास, यहाँ पर भी पी स्क्वायर मतलब पी बाय टू, 1/4 का स्क्वायर कर दो 1/4 का मतलब 1/16 लिखता हूँ। एक बार प्लस करो, सबका डिनोमिनेटर 16 है, 9 + 6 = 15, 15 + 1 = 16, 16/16 तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू क्या गया, x लिखने का पी ऑफ x लिखने का 0, 1, 2 और यहाँ पर काम भारी हो गया, लिखने का 9/16, कट रहा है तो कट कर दो, नहीं कट रहा है तो मत कट करो। यहाँ पर देखो जैसे दोनों ही दो के टेबल में जा रहा है, 3 + 8 + अरे आया ना, कट कर देना, मैंने बोला ऐड करने के लिए रखा था, देखो 2 3 + 3 2 8 + यहाँ पर 1/16, अरे समझा, यही तेरा फाइनल आंसर है, ये चीज़ याद रखना। तेरे को मैंने बहुत तरीके से बताया बच्चा, मेरे हिसाब से तेरे को एक ऑफलाइन में जितना तू अल्टीमेटम बहुत सारे पैसा देके सीख रहा ना, वो चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को भी बेनिफिट चाहिए ना, क्या बेनिफिट चाहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और तुम लोग को अच्छा लगता रहेगा ना दिल से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बनाते रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करो आप लोग, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।